हेलो गाइस, वेलकम टू फैक्टर्स। और आज इस वीडियो में आप सबके लिए लेकर आया हूँ टॉप 10 सुपर अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट द क्वीन गैम्बिट सीरीज। जो शायद ही आपको पता होंगे कि शो क्रिएटर्स ने किन किन चेस प्लेयर की मदद से इस सीरीज को बनाया है और इस सीरीज को बनने में लगभग 30 साल का समय क्यों लगा, एंड चेस कम्युनिटी ने इस सीरीज को कैसा बताया, और साथ ही हीथ लेजर जो कि जोकर के रोल के लिए मशहूर हैं, वो इस सीरीज से कैसे कनेक्टेड है। तो वीडियो में आपको ये सब कुछ पता चलेगा और वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो बात कर लेते हैं शो के बारे में। द क्वीन गैम्बिट ये एक पीरियड ड्रामा मिनी सीरीज है जिसे 2020 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया है और सीजन 1 के टोटल 7 एपिसोड्स हैं, एंड इट्स आईएमडीबी रेटिंग इज 8.7 आउट ऑफ 10। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द काउंटडाउन। जीनियस एंड मैडनेस। फैक्ट नंबर 10, द क्वींस गैम्बिट सीरीज सेम नाम के ही नोवेल पर बेस्ड है जिसे 1983 में वाल्टर टेविस ने लिखा था। वाल्टर टेविस एक अमेरिकन नोवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर थे जिनकी 6 में से 3 नोवेल्स पर बड़ी बड़ी मूवीज बनी हैं, और उनके वो 3 नोवेल्स द हसलर, द कलर ऑफ मनी एंड द मैन हु फेल टू अर्थ हैं, और इनकी 4th नोवेल द क्वींस गैम्बिट पर ये सीरीज बनी है जिसे नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया। और वाल्टर टेविस के सभी नोवेल्स 18 डिफरेंट लैंग्वेज में अवेलेबल हैं। फैक्ट नंबर 9, 28 अक्टूबर 2020 को ये सीरीज नेटफ्लिक्स की एक दिन में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाली सीरीज बन चुकी थी, एंड आफ्टर 4 वीक्स 23 नवंबर 2020 को नेटफ्लिक्स ने अनाउंस कर दिया कि द क्वीन गैम्बिट सीरीज नेटफ्लिक्स की द मोस्ट वॉच्ड एंड बिगेस्ट स्क्रिप्टेड सीरीज बन चुकी है। इसे 62 मिलियन लोगों ने देखा है, मतलब टोटल 4,52,51,63,000 लोगों ने इस सीरीज को नेटफ्लिक्स पर देख कर इसे मोस्ट वॉच्ड सीरीज ऑफ नेटफ्लिक्स बना दिया है। स्कॉट फ्रैंक जिसने ये सीरीज क्रिएट की है वो इस सीरीज की सफलता से बहुत खुश हैं। फैक्ट नंबर 8, चेस कम्युनिटी ने भी इस सीरीज की प्रशंसा की और कहा कि इस सीरीज को गेम और प्लेयर्स को ध्यान में रखकर बनाया गया है और हर चीज को बड़े ध्यान से समझाया गया है। वुमेन ग्रैंड मास्टर जेनिफर शायद ने इस सीरीज की तारीफ करते हुए कहा है कि इस सीरीज को चेस को ध्यान में रखकर बनाया गया है और उसको बड़ी बारीकी से दिखाया गया है। एंड करंट वर्ल्ड चैंपियन मैग्नस कार्लसन ने इस सीरीज को 6 में से 5 स्टार दिए हैं, और साथ ही बड़े बड़े चेस प्लेयर्स और फीमेल चेस प्लेयर्स ने इस सीरीज को एक फैंटास्टिक टीवी सीरीज बताया है। फैक्ट नंबर 7, 2020 में पैंडेमिक के कारण घर बैठे लोगों में चेस का इंटरेस्ट बढ़ रहा था, पर द क्वीन गैम्बिट सीरीज की पॉपुलैरिटी के कारण चेस लोगों के बीच में और भी पॉपुलर हो गई। बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स लाइक द गार्डियन, न्यूयॉर्क टाइम्स, सीएनएन, फोर्ब्स एंड मैनी अदर न्यूज़पेपर्स ने बताया है कि इस सीरीज के कारण चेस की पॉपुलैरिटी बढ़ी है और लोग चेस सीखने के लिए बड़ी संख्या में चेस सेट्स खरीद रहे हैं जिनमें ज़्यादातर औरतें हैं। और साथ ही chess.com जो कि एक ऑनलाइन प्रीमियम चेस वेबसाइट है, उन्होंने बताया है कि सीरीज रिलीज होने के बाद मिलियंस न्यू यूजर्स उनकी इस वेबसाइट से जुड़े हैं। फैक्ट नंबर 6, शो क्रिएटर्स ने यह सीरीज बनाने के लिए असली चेस प्लेयर्स की मदद ली थी, जिनमें से पहले हैं फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन गैरी कैस्परो जो कि वर्ल्ड्स यंगेस्ट चेस प्लेयर बन चुके हैं जो कि उस समय सिर्फ 22 साल के ही थे, और इन्होंने साल 1985 से लेकर साल 2000 तक 15 साल तक वर्ल्ड चेस चैंपियन का खिताब अपने नाम रखा। और इस सीरीज में गैरी को बोर्गो का रोल करने के लिए कहा गया था पर उन्होंने मना कर दिया। एंड सेकंड कंसल्टेंट थे चेस कोच ब्रूस पेंडोल्फिनी जिन्होंने लगभग 40 साल पहले ऑथर वाल्टर टेविस की ओरिजिनल नोवेल लिखने में मदद की थी, और ब्रूस ने ही वाल्टर टेविस को इस बुक का नाम द क्वींस गैम्बिट रखने को कहा था। फैक्ट नंबर 5, द क्वींस गैम्बिट को इतना ध्यान से बनाया गया है कि सीरीज में जितने भी मैच हमें दिखाए गए हैं वो एक्ट्रेस ने एक्चुअल में खेले थे। सारे एक्टर्स अपने पीस मूवमेंट्स और पोजीशन को याद करने के बाद उनको कैमरे के सामने रियल में खेलते थे, और चेस बोर्ड को हमेशा सही तरीके से रखा जाता था चाहे वो कैमरे की नज़र में है या नहीं। और साथ ही इस सीरीज के 7 एपिसोड बेथ की जर्नी को कंप्लीट करते हैं। पहले एपिसोड ओपनिंग में बेथ चेस खेलना सीखती है और 7वें एपिसोड एंड गेम में वो चेस की क्वीन बन जाती है। फैक्ट नंबर 4, एन्या टेलर जिन्होंने सीरीज में बेथ हार्मन का रोल किया है, एन्या ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो कोई रियल लाइफ चेस प्लेयर नहीं है और उन्हें चेस के बारे में कुछ भी नहीं पता, पर जब से वो इस सीरीज पर काम कर रही थी उन्होंने एक एक्सपेंसिव चेस सेट खरीदा था ताकि वो चेस सीख सके, क्योंकि वो बेथ के करेक्टर को बिल्कुल रियलिस्टिक दिखाना चाहती थी। एन्या ने बताया है कि एक सीन में जहां वो बेनिवेट्स के साथ स्पीड चेस्ट गेम खेलती है वो सीन उन्होंने सिंगल टेक में किया था, वो बस बार बार अपने ही मूव्स को रिपीट कर रही थी। फैक्ट नंबर 3, एलन स्कॉट जो कि द क्वींस गैम्बिट सीरीज के राइटर और प्रोड्यूसर हैं,
एलन को ये शो बनाने में लगभग 30 साल का समय लग गया और इस दौरान उन्होंने इस शो की स्टोरी को 9 बार लिखा और डिफरेंट स्टूडियोज के पास गए कि वो उनके शो को रन करें, पर हर स्टूडियो उनके शो को रिजेक्ट कर देता क्योंकि उन्हें लगता था कि लोगों का चेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। एंड आफ्टर 30 ईयर्स नेटफ्लिक्स ने शो पर काम करना शुरू किया एंड इट बिकेम द मोस्ट वॉच्ड शो ऑफ नेटफ्लिक्स। फैक्ट नंबर 2, अब बात कर लेते हैं हीथ लेजर के बारे में, जो कि बैटमैन द डार्क नाइट में जोकर का रोल करने के लिए मशहूर है। हीथ 2008 में द क्वींस गैम्बिट नोवेल को लेकर एक मूवी बनाना चाहते थे और इस मूवी से एज ए डायरेक्टर अपना डेब्यू भी करना चाहते थे और मूवी में लीड रोल के लिए एलियट पेज को चुना गया था, जो कि द अम्ब्रेला अकेडमी में वान्या हारग्रीव्स का रोल करने के लिए मशहूर है। बट अनफॉर्चुनेटली इस प्रोजेक्ट पर काम करने से पहले हीथ लेजर की डेथ हो गई और इसके बाद 2020 में आकर हमें ये टीवी सीरीज देखने को मिली। फैक्ट नंबर 1, द क्वींस गैम्बिट के फर्स्ट एपिसोड ओपनिंग्स में मिस्टर साइपल बेथ को मॉडर्न चेस ओपनिंग के नाम की एक बुक देते हैं जिसे MCO भी कहा जाता है। इस बुक को रिचर्ड क्लेविन एंड जॉन वाइट ने लिखा था और इस बुक को पहली बार 1911 में पब्लिश किया गया था। इस बुक के टोटल 15 एडिशन आए थे जिनमें चेस ओपनिंग्स के बारे में बताया गया था कि आपको गेम की शुरुआत किस मूव से करनी चाहिए। एंड इस सीरीज में मिस्टर साइबल बेथ को जो बुक देते हैं वो मॉडर्न चेस ओपनिंग के 7th एडिशन की कॉपी थी और बाद में बेथ एक स्टोर से इसी बुक के 9th एडिशन को भी खरीदती है। तो ये थे द क्वींस गैम्बिट सीरीज के टॉप 10 अमेजिंग फैक्ट्स। होप ये फैक्ट जानकर आपको अच्छा लगा होगा। एंड इफ यू एंजॉयड देन लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर फैक्ट्स वीडियो लाइक दिस वन। और अगर आपको अपने किसी फेवरेट मूवी और टीवी शो के फैक्ट्स के बारे में जानना है तो मुझे नीचे कमेंट में बताइए, मैं जरूर उस पर वीडियो बनाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, पीस।